झूठ का ताना बाना बुनने का कुत्सित प्रयास किया है, एक झूठ बोलने के लिए। लेकिन एक झूठ हमेशा झूठी होता है, 100 झूठ बोलने पे वो सत्य नहीं हो जाता है। ममता दीदी, आपकी तानाशाही पूर्ण सरकार, गुंडों को प्रश्रय देने वाली सरकार, दंगों को भड़काने वाली सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। इसकी एक्सपायरी डेट बंगाल की जनता लिखने जा रही है और कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक रोड शो पर जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, इसने लोकतंत्र के एक नए काले अध्याय की शुरुआत की है। और याद रखना, ये हमला टीएमसी की सरकार की अंतिम ताबूत बनने जा रही है। याद रखना, टीएमसी के गुंडों को कहीं सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, जिनको टीएमसी की यह सरकार, राज्य सरकार प्रश्रय दे रही है, वही लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर हम सबके भी महापुरुष हैं, पूरे देश के महापुरुष हैं, बड़े समाज सुधारक हैं, महापुरुष हैं। उनकी पूजा, उनकी उपासना, उनका सम्मान पूरा भारत करता है। हम तो मूर्ति की स्थापना करते हैं, मूर्ति लगाते हैं, मूर्ति खंडित नहीं करते हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं, क्या ये सच नहीं कि जिन गुंडों को आपने पाला हुआ है, ये गुंडे जगह जगह जाकर के मूर्तियों को खंडित करके, काफी ऐसी जगहों पर जो दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, अपनी इस कमी को छुपाने के लिए आपने ईश्वरचंद विद्यासागर को की मूर्ति को मोहरा बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। लेकिन बंगाल की जनता आपके इस षड्यंत्र को भी पूरा नहीं होने देगी। मुझे आश्चर्य होता है, आज बंगाल के अंदर जय श्री राम के नारे को भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। कहा जा रहा है नारा क्यों लगा? भाइयों बहनों, हमारे यहां भारतीय परंपरा में हम लोग जागते हैं राम राम बोलते हैं, सोते हैं राम राम बोलते हैं, आपस में मिलते हैं राम राम बोलते हैं, किसी अभियान में जाते हैं जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन बंगाल की सरकार है, ये राम नाम पर प्रतिबंध लगा रही है, जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। वैसे ममता दीदी को प्रतिबंध लगाने में बड़ी महारत हासिल है। इन्होंने पिछले साल यहां पर सदियों से चली आ रही दुर्गा पूजा की परंपरा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। भाइयों बहनों, मुझे याद है एक साथ पूरे देश के अंदर दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो गए थे, उत्तर प्रदेश में भी था, बंगाल में भी था। उत्तर प्रदेश में हमारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कैसे आयोजन हो पाएंगे, क्या पूजा के समय करते? मैंने कहा पूजा का समय आगे पीछे नहीं होगा, जब पूजा होनी है मां की तभी पूजा होगी, और समय बदलना है तो मुहर्रम के जुलूस के समय को बदल दो, ताजिया के जुलूस का समय बदलेगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में एक भी वारदात नहीं। और मैंने इस बात को कहा, मेरी सरकार को उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष हो गए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर मोदी जी के आह्वान पर, आदरणीय अमित शाह जी के आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट दिया था। 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ।